नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश राज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीश राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 600 स्क्वायर फुट घर के लिए आपका टाइल्स कितना लगेगा, एस्टिमेट कॉस्ट क्या लगने वाला है 2022 में। मटेरियल के साथ साथ लेबर का भी चार्ज, टूल्स का चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है, सारे चीज़ को मैंने ऐड करके बताया, जो कि बहुत हेल्पफुल वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है और इजी तरीका से बताया, किसी को समझ में आ सकता है। ज़्यादा वास्ट कैलकुलेशन नहीं है, आसान तरीका से हमने बताया। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझिए। और बाकी जो भी कुछ रहता है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो हम यह एक आपको रफ आइडिया दे रहे हैं, एस्टिमेट निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, आसपास कितना लगेगा, कितना मटेरियल, कितना क्या लगेगा। एरिया ऑफ टाइल्स वर्क का अगर बात कर ले तो हम 600 स्क्वायर फुट एरिया का घर है, उसमें टाइल्स वर्क करवा रहे हैं तो 600 स्क्वायर फुट हो गया। आप बात कर ले 1% टूल्स कॉस्ट लगता है टोटल मटेरियल कॉस्ट का, आपका जितना भी मटेरियल रहेगा उसका 1% टूल्स के ऊपर कॉस्ट लग जाता है, जो कि आप वर्क करवाएंगे उस टाइम पे आपको टूल्स वगैरह टूटता है बहुत सारा, ठीक है। और 5% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, तो हम आगे बात करने वाले हैं। स्क्रीटिंग जो रहता है चारों तरफ आपको लगता है, ठीक है, चारों तरफ जो यूज होता है स्क्रीटिंग टाइल्स, जो कि डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे, तो उसका अगर बात कर ले ब्रेथ का, चौड़ाई का, तो चौड़ाई आपका 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची का आता है। और अगर साइज का अगर बात कर ले तो साइज इसका 4 इंची गुने आप 18 इंची कर सकते हैं, और दूसरा साइज का अगर बात कर ले तो 4 इंची गुने 24 इंची, ठीक है, 5 इंची, 6 इंची का भी आता है, चौड़ाई आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका क्या मटेरियल लगेगा, और साइज का अगर बात कर ले दोस्तों तो फ्लोर टाइल्स जो होता है उसका साइज आपको 2 फुट गुने 2 फुट का आता है, जो कि फर्श पे लगता है। और वॉल टाइल्स का अगर बात कर ले, जो किचन रूम और में और बाथरूम में यूज होता है वॉल टाइल्स साइज का, तो दोस्तों किचन रूम में और बाथरूम में जो यूज किया जाता है वो 1 फुट गुने 1 फुट का आता है, ठीक है। अब हम बात कर ले, पहला नंबर में सीरियल नंबर है, दूसरा में आपका टाइल्स कैलकुलेशन है क्वांटिटी, ठीक है, बहुत आसान बहुत इजी तरीका से हमने बताया है, और तीसरा में रेट क्या चल रहा है मटेरियल का, और चौथा में आपका अमाउंट हो गया। दोस्तों अगर बात कर ले 1 स्क्वायर फुट में एरिया में टाइल्स का अगर बात कर ले तो 1.3 स्क्वायर फुट टाइल्स यूज होता है, ठीक है। तो अब बात कर ले सीरियल नंबर पहला में, तो 600 स्क्वायर फुट घर के लिए 1 स्क्वायर फुट में 1.3 टाइल्स लगेगा स्क्वायर फुट, तो 600 स्क्वायर फुट में 780 स्क्वायर फुट टाइल्स यूज होगा। रेट का अगर बात कर ले दोस्तों तो एवरेज रेट टाइल्स का मार्केट में अभी 45 से 55 रुपया चल रहा है, लेकिन हम 50 रुपया 1 स्क्वायर फुट का लेके चले हैं, तो उस हिसाब से 780 स्क्वायर फुट टाइल्स का 50 रुपया के अकॉर्डिंग यह आपका हो जाएगा 39,000 रुपया टाइल्स के ऊपर खर्चा हो जाएगा। दोस्तों दूसरा सीरियल नंबर में अगर बात कर ले तो सीमेंट है, सीमेंट का हमेशा मेजरमेंट आपको बैग में होता है, ठीक है, या केजी या बैग में, तो हम लोग बैग में मेजरमेंट करेंगे, तो 600 स्क्वायर फुट में आपका टाइल्स लगवाने के लिए 18 बैग सीमेंट का यूज होगा। और दोस्तों यह 0.0286 बैग लगता है 1 स्क्वायर फुट में, तो 600 स्क्वायर फुट में 18 बैग। रेट का बात कर ले तो रेट अभी मई में और जून में थोड़ा सा डाउन होने वाला है रेट, तो यह आपका 400 से 450 रुपया के बीच में पड़ने वाला है, तो हमने 415 रुपया पक रहा, तो 415 रुपया के अकॉर्डिंग 18 बैग का आपका हो जाएगा 7,470 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और सीमेंट का रेट कैसे चेक करें इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं सीमेंट स्टील के ऊपर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब सीरियल नंबर तीसरा में बात कर ले सैंड, सैंड मतलब बालू, टाइल्स लगवाने के लिए आपको बालू का भी यूज होगा, रिवर सैंड का अगर बात कर ले नदी बालू का, तो 84 CFT यूज होगा 600 स्क्वायर फुट एरिया में टाइल्स लगाने के लिए, और
600 स्क्वायर फुट घर का टाइल्स लगवाने के लिए, तो एक स्क्वायर फुट में 0.14 CFT लगता है, तो 600 स्क्वायर फुट में 84 CFT लग जाएगा। और रेट का अगर बात कर ले तो इंडिया में यह रेट बालू का, रिवर सैंड का 55 से 75 रुपया, 80 रुपया भी पड़ता है बिहार के रीजन में, यूपी के कहीं कहीं रीजन में जहाँ पे एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर है, मतलब कि बहुत दूर ले जाना, वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट रहे प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बिहार का अगर बात कर लेंगे तो 75 से 80 रुपया चल रहा है पर CFT का, तो हम 70 रुपया ले कर चले एवरेज मान के चलते हैं, तो 70 रुपया एक CFT का, तो 84 CFT का 5,880 रुपया हो गया। अब चौथा नंबर में बात कर ले, वाइट सीमेंट का भी यूज होता है टाइल्स लगवाने के लिए, वो जो गैपिंग रहता है टाइल्स के, दो टाइल्स के बीच में जो गैपिंग रहता है ना, ये जो गैपिंग रहता है उसको फिलअप करने के लिए टाइल्स का, वाइट सीमेंट का यूज होता है, तो आपका 6 kg लग जाएगा 600 स्क्वायर फुट में टाइल्स लगवाने का। एक स्क्वायर फुट में 0.01 kg लगता है, तो 600 स्क्वायर फुट में 6 kg, और रेट आपका 50 से 55 रुपया अभी मार्केट में चल रहा है 1 kg का, तो 50 रुपया के अकॉर्डिंग 6 kg का रेट 300 रुपया हो जाएगा। अब बात कर ले ट्रांसपोर्ट टूल्स कॉस्ट, जब आप टाइल्स लगाएंगे तो उसमें टूल्स कॉस्ट भी ऐड होता है। टूल्स मतलब हो गया औजार वगैरह, टूटता वगैरह है तो वो टूटने का 1% कॉस्ट लगता है मटेरियल का, तो वह 527 रुपया लगेगा। यह कैसे आया, आप जितना भी मटेरियल है वो सारे मटेरियल को आप ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद उसका 1% निकालेंगे, तो यह इतना 527 रुपया लग जाएगा। अब बात कर ले ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, क्योंकि लाने का भाड़ा तो आपको लगेगा, दूर है नज़दीक है, फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ, तो टोटल कॉस्ट का आपका 5% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, तो हम सारे को जब ऐड कर देंगे और उसका 5% निकालेंगे मेटेरियल का जो भी है, ठीक है, तो यह 2633 रुपया पड़ेगा, 2633 रुपया भाड़ा का चार्ज लग जाएगा आपको। और यह नज़दीक रहेगा तो यह चार्ज आपको कम लग सकता है, लेकिन एवरेज इतना मान के चलिए। दोस्तों यह एरिया पे डिपेंड करता है कि मार्केट का क्या एबिलिटी है, कितना नज़दीक है आपका मार्केट, आपके घर से कितना दूर है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट चलता है, बट थंब रूल के अकॉर्डिंग 5% लगता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मटेरियल को मंगवाने के लिए। अब बात कर ले लेबर का चार्ज सातवां नंबर में, तो लेबर का चार्ज आपका 20 से 25 रुपया लगता है टाइल्स वर्क के लिए, तो हम 20 रुपया लेके चलेंगे, और हमने कितना टाइल्स वर्क करना है, 780 स्क्वायर फुट टाइल्स का यूज होगा, तो हम 600 स्क्वायर फुट में जो घर के लिए लगाना है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें टाइल्स कितना लगाना है उसके हिसाब से 20 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,600 रुपया पड़ेगा। अब बात कर ले टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है, तो हम सारे कॉस्ट को जब ऐड कर देंगे, आपका मटेरियल, टूल्स और आपका ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, तो यह 71,410 रुपया लग जाएगा टाइल्स का, टाइल्स लगवाने के लिए 600 स्क्वायर फुट घर के। दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।